सभी का मैं हूं आपके साथ निधि यादव। आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है कुछ बड़ी और अहम खबरों का। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर प्रदेश भर में मतदान का दौर जारी है। ऐसे में सबकी निगाहें हॉट सीटों में शुमार झालरापाटन विधानसभा सीट पर भी टिकी हुई है। झालरापाटन विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी वसुंधरा राजे हैं, जो वर्ष 2003 में पहली बार विधायक का चुनाव जीतकर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद से ही लगातार पांचवी बार वसुंधरा राजे झालरापाटन सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं। वसुंधरा राजे झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र की ही मतदाता भी हैं, जिनका नाम झालावाड़ के हाउसिंग बोर्ड इलाके के बूथ संख्या 32 की वोटर लिस्ट में है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ शहर के हाउसिंग बोर्ड सामुदायिक भवन में स्थापित मतदान केंद्र संख्या 32 पर अपना मतदान करने पहुंचे। उन्होंने अपने पौत्र विनायक प्रताप सिंह के साथ वोट डाला। वोट डालने के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा, मेरा आग्रह सभी मतदाताओं से है, विशेषकर नए मतदाताओं को कहूंगी कि जोरदार तरीके से वोट डालें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं। आपको बता दें कि बूथ संख्या 32 पूर्णतया महिला कार्मिकों द्वारा ही संचालित किया जा रहा है और यह पिंक बूथ में शामिल है। वहीं वसुंधरा राजे के पौत्र विनायक प्रताप सिंह भी बूथ संख्या 32 के ही मतदाता हैं। विनायक पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल हुए, ऐसे में वह भी झालावाड़ के बूथ संख्या 32 पर अपनी दादी के साथ ही पहली बार मतदान करने पहुंचे।